बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो थर्ड ईयर की जो हमारी अब रिवीजन आजकल चल रही है, उसमें फिर एक बच्ची ने मुझसे क्वेश्चन किया है कि चैप्टर नंबर 10 है जो हमारा रिग्रेशन एंड कोरिलेशन, जिसका टेस्ट था आप लोगों का, तो उसमें उस बच्ची को एक स्टेप नहीं समझ आए। तो वो कह रही है कि टीचर दोबारा बता दें उसको। मैं आज आप लोगों को करके दिखा रही हूँ। इनफैक्ट जो प्रूफ चल रहा है वो ये है कि जो जो हमारा कोरिलेशन कोफिशेंट आर होता है, वो चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल से इंडिपेंडेंट होता है। यानी कि आर एक्स वाई की वैल्यू आर यू वी के ही इक्वल आती है। तो प्रूफ स्टार्ट हुआ है, उसमें आर एक्स वाई का हमने जनरल फॉर्मूला लिखा है। उसके बाद यू ट्रांसफॉर्मेशन जो एक्स और वाई से करनी है, यू और वी की, वो लिखती हैं। एक्स माइनस ए ओवर एच यू के इक्वल, वी जो है वो वाई माइनस बी ओवर के इक्वल ले लिया है। जब ये यू की वैल्यू है एक्स माइनस ए ओवर एच, तो एक्स की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? ये एच इधर मल्टीप्लाई हुआ यू के साथ, एच यू, और ये ए उधर जाके यहाँ माइनस था, तो इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? ए प्लस एच यू। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ से हमने वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, क्योंकि हमने यहाँ पे पुट करनी है ये वैल्यूज़। फिर एक्स बार एक्स अगर ए प्लस एच यू है, तो एक्स बार हमारे पास क्या हो जाएगा? ए प्लस एच यू बार। इसी तरह से वाई अगर बी प्लस के वी है, तो वाई बार क्या हो जाएगा? बी प्लस के वी बार हो जाएगा हमारे पास। अब हमने क्या किया, अब इन ट्रांसफॉर्मेशंस को, इन वैल्यूज़ को हम लोगों ने कहाँ पुट कर देना है? इस बेसिक फॉर्मूले में पुट कर देना है। तो ये बेसिक फॉर्मूले में मैंने बेसिकली पुट कर दिया। अब यहाँ से आगे प्रॉब्लम जो हो रहा है वो मैं आपके सामने आपको करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, ये समेशन आ गया ए प्लस एच यू माइनस, अब ये ब्रैकेट जो है रिमूव हो जाएगी, ए माइनस एच यू बार हो गया, ठीक है। इस तरह से इधर बी प्लस के वी माइनस, ब्रैकेट रिमूव, तो माइनस अंतर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये क्या आ गया, सेम यहाँ पे भी हो जाएगा, ए प्लस एच यू माइनस ए माइनस एच यू बार। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, अगर कुछ कैंसिल होता है, ए कैंसिल हो गया, बी कैंसिल हो गया, ए माइनस ए बी माइनस बी कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखो कि ऊपर क्या आ जाएगा, अंदर रह जाएगा एच यू माइनस एच यू बार। ऐसे इधर क्या रह जाएगा? के वी माइनस के वी बार। और इधर भी यही कुछ हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप देखो, इधर से एच कॉमन लेंगे और इधर से के कॉमन लेंगे, तो के और एच कॉमन लिया, यहाँ से एच और यहाँ से के कॉमन लिया, तो दोनों को कॉमन लेके मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ बाहर ले आएंगे, अंदर क्या रह जाएगा? यू माइनस यू बार, वी माइनस वी बार। और सेम सिचुएशन नीचे बनेगी, स्केयर रूट के अंदर क्या आ जाएगा? यहाँ से एच, क्योंकि स्केयर के अंदर है, एच बाहर लेंगे तो एच का स्केयर बाहर आएगा, ऐसे ही के स्केयर के अंदर है, के का स्केयर बाहर आएगा, एच स्केयर के स्केयर, और अंदर क्या हो जाएगा? यू माइनस यू बार का स्केयर, समेशन वी माइनस वी बार का स्केयर, ठीक हो गया। अब क्या है, अब ये नीचे स्केयर रूट और स्केयर से ये कैंसिल हो जाएगा, स्केयर और स्केयर रूट, एच के रह जाएगा, ये एच के और ये एच के आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास बाकी क्या रह जाएगा? ये, ठीक है।
जो कि किसके इक्वल है, आर यूवी के, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अब इसको खुद करके देखें, आराम से आप लोगों से भी हो जाएगा।